गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर फाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट योर क्लास। फर्स्ट क्लास किसका है आपका? इंग्लिश का। अभी तक हमने आपको स्टैंडिंग और स्लांटिंग लाइंस मैंने आपको सिखाई हैं, और स्लांटिंग और स्टैंडिंग लाइंस में कौन कौन से लेटर्स आते हैं बहुत ध्यान से सुनिए। क्या आता है? फर्स्ट लेटर हमने सिखाया था आपको एल फॉर लेडी बर्ड, एल फॉर लॉइन, L for lamb, L for lollipop, जो सब बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट लेटर था स्टैंडिंग लाइंस का I, I for insects, I for igloo, I for inkpot, I for ice cream, ये भी सब बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट स्ट्रोक आया था जिसमें आपकी स्टैंडिंग के साथ क्या था? स्लांटिंग लाइंस भी हो गई। स्लांटिंग लाइंस का फर्स्ट स्ट्रोक था आपका V, V for violin, V for vegetables, V for van and V for bus. Next letter था आपका slanting lines का W, W for wool, W for watch, W for watermelon and W for window. ये आपने color भी किया था बच्चों ने सबने ना। Next letter है आपका slanting lines का next letter है X. X for xylophone, X for x-ray, X for Christmas tree, X for x-back. ये देखिए Christmas tree भी सब बच्चों को कलर करवाया था हमने, आपने सुंदर सुंदर कलर करके भेजा था। okay, next letter है आपका Y, Y for yacht, Y for yo-yo, Y for yak and Y for yellow, means color, yellow color. और आपने फ्लावर्स येलो कलर में हमको कलर करके भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट लेटर है आपका Z, स्लांटिंग लाइन का नेक्स्ट लेटर है Z, Z फॉर ज़ेब्रा, Z फॉर ज़ू, Z फॉर ज़िप, Z फॉर ज़िगज़ैग एंड नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर है आपका K, जो हमने आपको कल सिखाया था K फॉर कैटल, K फॉर काइट एंड K फॉर कीवी एंड K फॉर किंग। ये सब लेटर्स आपके किसके थे? स्टैंडिंग और स्लांटिंग लाइंस के। अब आपको क्या करना है, ये आपको रिवीजन करवाना है स्लांटिंग और स्टैंडिंग लाइंस का। ये फर्स्ट है L, तो आपको यहाँ भी L लिखना है, L L, I I I I, V V V V, W W W W, X X X X, Y Y Y Y, Z Z Z एंड के के के। ये आपको कंप्लीट करना है एंड शो मी योर होमवर्क। ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। मैंने कहा स्ट्रोक कंप्लीशन ऑफ स्टैंडिंग एंड स्लांटिंग लाइंस। आज हमने कौन से स्ट्रोक कंप्लीट किए? स्लांटिंग और स्टैंडिंग लाइंस के स्ट्रोक किए कंप्लीट, तो हम रिवीजन करेंगे। और कल आपका होगा कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक का पहला लेटर से ओ, ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑस्ट्रिच। तो आज आपको ये रिवीजन करना है इन दोनों लाइंस का। कल हम नेक्स्ट लेटर के साथ फिर मिलेंगे।